वालेकुम गाइस। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह रोड से। जैसा कि आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था तो आज हम आ जाते हैं बाहर रोड पे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर ली तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। उसके बाद हम आज जाते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जब आप लोग आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोगों को देखते हैं और 100 लोगों से मिलते हैं। लेकिन मैंने इस यूनिवर्सिटी में एक भी बात नोट की है कि यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सूटों में बहुत सस्ती सोच के लोग होते हैं, बट कुछ इस तरह से भी होता है कि बहुत सस्ते कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा महंगे लोग होते हैं जिनका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा नेक रूहें होती हैं। तो जैसा कि आज मौसम अच्छा था तो आज कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं। उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी आउटिंग कर ली जाए, क्योंकि क्लासेस भी नहीं हो रही थी। आज कोई भी हमारी क्लास नहीं हुई। हम लोग सुबह मुँह उठा के यूनिवर्सिटी से चले गए बट हमारी कोई क्लास नहीं हुई और हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। यूनिवर्सिटी में मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और इतना खास यूनिवर्सिटी में इंजॉय नहीं हो पा रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी आउटिंग कर ली जाए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो हम चले जाते हैं आज। हमने प्लान बनाया कि आज हमें जाना चाहिए मबारी, तो अब चलिए चलते हैं कि वहाँ पर कैसा मौसम होगा और कैसा क्या सीन होगा और जाने का क्या प्रोग्राम है। तो उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की कुछ खूबसूरत वीडियोस बनाते हुए, और बहुत ज़्यादा अच्छा सीन मौसम लग रहा था यहाँ से हम बनाते हुए, हमारे जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है मबाली के लिए। तो यहाँ पर जो हरिपुर का एक पिकनिक पॉइंट जो है, या जैसे कि आप समझ लें कि घूमने फिरने की जगह होती है, तो यहाँ पर जो ख़ास या मेन जो समझा जाता है वो यही है। तो हमने प्लान यही बना लिया कि हमें वहीं चलना चाहिए, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और काफ़ी इंजॉय भी हो जाएगा। तो हम पहुँच जाते हैं मबाली और ये देख सकते हैं कि हसीन यहाँ पर पानी और बैठने की बहुत ज़्यादा अच्छी जगह बनी हुई थी, और यहाँ पर हम कुछ देर बैठ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग गपशप लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बोट्स वगैरह भी थी, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, और आप खाने पीने का की जगह भी थी और वहाँ बहुत अच्छे टेबल वगैरह लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था। बोट्स वगैरह पर भी आप बैठ सकते हैं, काफ़ी कुछ इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था, काफ़ी कुछ इंजॉय किया हमने। तो यह आप बाकी देख सकते हैं। काफ़ी कुछ इंजॉय करने के बाद हमने चाय वगैरह पी ली और उसके बाद हम आ जाते हैं बोट पे। कुछ हमने भी सोचा कि हमें थोड़ा सा बोट पे इंजॉय कर लेना चाहिए, और अब हम पानी के बिल्कुल दरमियान में थे और हमें काफ़ी डर भी लग रहा था कि कहीं हम डूबी ना जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ख़तरों से खेलना भी अलग उसका मज़ा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पानी था और काफ़ी अच्छी हमारी जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, और सनशाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी और बहुत ही प्यारा मौसम भी था, जो कि अब यहाँ पर हमें और ज़्यादा सर्दी लग रही थी। लेकिन खैर, काफ़ी कुछ इंजॉय करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और ऑल्सो हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी। अब हमने सोचा कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए, तो उसके बाद हम खाते हैं खाना और उसके बाद अपने अपने घरों का रुख करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।